हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल संदीप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रोपोसो ऐप की एक नई आईडी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ऐसा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही देखिए, रोपोसो ऐप पर फिलहाल काफ़ी ज़्यादा नए यूज़र बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आईडी बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके बारे में आप जान सकेंगे और इजीली आप जो है अपनी आईडी बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो रोपोसो ऐप की आईडी बनाने के लिए सिंपली हम रोपोसो ऐप ओपन करेंगे। तो ओपन होने तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, रोपोसो ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ से हमें अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है, अपनी पसंद की लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ से हम हिंदी चूज़ कर लेंगे। ठीक है, चूज़ करने के बाद यहाँ पर राइट चेक पे हमें क्लिक करना है, चेक मार्क पे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आगे हमें यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर हमें अपना फ़ोन नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पर हम फ़ोन नंबर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर OTP भेजे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें OTP डालना है जो कि हमारे फ़ोन नंबर पे आएगा। OTP डालने के बाद यहाँ पर हमें पुष्टि करें ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर OTP नहीं आता है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप दोबारा भेजे इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप दोबारा भेजे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, दोबारा OTP आपके फ़ोन नंबर पे भेजा जाएगा। तो चलिए हम पुष्टि करें इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, अब यहाँ पर आपको पूरा नाम डालना है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी उम्र यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप मेल, फीमेल या फिर ये आप जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर साइन अप करें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट से ये जानकारी मैं भर लेता हूँ। तो चलिए, ये सभी जानकारी मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। इसके बाद हमें साइन अप करें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद में थोड़ी सी ये लोडिंग लेगा, और इस तरीके से देखिए रोपोसो ऐप की हमारी आईडी कम्प्लीटली ओपन हो चुके, कम्प्लीटली बन चुके। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, हमें ऊपर इस तरीके से एक लोगो दिखाई देगा, तो इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर हम अपनी आईडी और अच्छे तरीके से एडिट कर पाएंगे। यहाँ पर हम क्लिक करके अपना प्रोफाइल जो यहाँ पर कवर फोटो है वो एडिट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके हम प्रोफाइल फोटो यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे। एंड साथ ही आप ऊपर दिए गए सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोफाइल बदले इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और कम्प्लीट अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपडेट करना चाहते हो अपनी प्रोफाइल, तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर आपको सेव करें ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर आप कम्प्लीटली इस तरीके से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप अपनी रोपोसो ऐप की एक नई आईडी बना सकते हो। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर मुझे अपना सवाल बता सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जल्दी रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर फिलहाल ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे वहाँ पर DM कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चैनल पर नए हो तो इसी तरीके की हेल्पफुल और आपको जो मदद करती है ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले एक नए वीडियो में। धन्यवाद।